नॉट द नॉन जिमनास्ट, उनको नहीं पता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक अच्छा सर्कस, अच्छा वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, अच्छा वो तो इसमें कुछ पूरे हुए कुछ नहीं, आई बार पे थोड़ा सा और चाहिए, लेट्स सी परफॉर्म कर पाते हैं, दो दिन और बचे, मुझे लगा शायद हाई बार का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आज हमारी ओपनिंग सेरेमनी है, जिमनास्ट सारे आ चुके हैं, ऑफिशियल्स भी आ चुके हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। हमारे NCR के सीनियर जिमनास्ट पीछे नहीं लिखा हुआ, डिस्कस करने लगे टेक्निक। जय हिंद भाई। ये हमारे ऑर्गेनाइजर, इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है सेल्फ। हमारी ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी, जिसमें एंड टाइम में मुझे डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ा, तो मैंने हाई बार पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया। और बाकी अभी काफ़ी सारी पूरी टीम्स आ गई हैं लगभग, और आज कॉम्पिटिशन गर्ल्स का रहेगा, तो अभी मैं वापस अपने रूम पर आ गया हूँ। तो कल कॉम्पिटिशन हमारा स्टार्ट होगा पॉमल हॉर्स से, जिसमें आपको पता है कि मेरा एक टारगेट है, जिसमें मैं बुगोनियन और ट्रिपल रशियन तीन फिगर करूँगा, और फ्लोर जो हमारा दूसरा इवेंट है उसमें मेरा टारगेट रहेगा ट्रिपल ट्विस्ट। तो हमारा कंपटीशन कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हमारा होगा फ्लोर एंड पॉमल हॉर्स, एंड इवनिंग सेशन में होगा हमारा रोमन रिंग्स एंड वॉल्टिंग टेबल, एंड देन डे आफ्टर टुमारो हमारा होगा पैरल बार एंड हाई बार। So let's hit the routine on two apparatus, which is floor and pommel horse. So हमारे दो target हैं, मैंने आपको बताया। So let's stop this battle and see how it goes. Good. हाय, ये हैं भरत, ये हैं कौन सी रेलवे, SC रेलवे, ये साउथ सेंट्रल रेलवे, तेजदीप, ये भी सीनियर जिमनास्ट हैं। हाय, नाम तो बताइए। सुरेश, ये भी SC रेलवे, इनकी पूरी टीम है। भरत कुमार, बहुत बढ़िया। ये क्या बोलना, नाम बोलना आपने का, गोपी कुमार है। ये बहुत अच्छे जिमनास्ट, इनका मैंने हाई बार देखा है।
और इनका फ्लोर भी बहुत अच्छा था। ये हैं विजय एस सी आर साउथ सेंट्रल रेलवे से। ये टीम हमारी बहुत कंपटीशन है सबके साथ पहले ग्रुप में। Now we are going to start our competition. उस समय चलो thank you.
है सदर मार्केट, आगरा की सबसे फेमस जगह है ये ताजमहल के बाद ऑब्वियसली। यहाँ पर सब लोग ताजमहल घूमने के बाद यहीं पर ही आते हैं। और हमारा पास में है एकलव्य स्टेडियम जहाँ पर हमारा कॉम्पिटिशन हुआ था। ये हमारे चैंप गोइंग गुड सो फार, इनके दो अप्रेंटिस बचे हैं और बहुत ही अच्छा जा रहे हैं। ये हमारे दो और होनहार खिलाड़ी आते हुए जब जूम किया उनको कुछ सिखा रहे हैं। ये क्या था? Hello. Hey, Mr. Abhilek. So, आशीष भैया कल आपका एक इवेंट है, दो इवेंट है कल आशीष भैया के, दो इवेंट है, पहला बार और हाई बार। तो आपने क्या सोचा है उन दो इवेंट के बारे में? No. I perform triple back. Oh yes. हाई बार एंड बाकी सब नॉर्मल है, बस कल विल रॉक। Yeah, nice. So, अभिलाष है हमारे साथ, एक और NCR टीम के जिमनास्ट। इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है चार अप्रेडस पे। अब इनके दो इवेंट रह रहे हैं, पहलवाज और हाई बार्स। तो इनसे पूछते हैं कि इनका इवेंट में कल की क्या स्ट्रैटेजी है। अभिलाष बताइए। मेरी तो यही स्ट्रैटेजी है कि कल जो मेरा एलिमेंट है और मेरा सेट है वो मैं पूरा करके चलाऊं। Yes. बस और कुछ नहीं। गुड। कोई डिफिकल्टी आप परफॉर्म करेंगे पहलवार और हाई बार पे जो आपको थोड़ा सा रिस्की लग रहा है अभी? नो रिस्क। तो मतलब आप कैच अप परफॉर्म नहीं करेंगे? नहीं, वो करेंगे वो तो करना है यार। तो मतलब कैच अप परफॉर्म करेंगे हाई बार पे। तो देखेंगे हम अभिलाष का कैच अप कल। मिलते हैं होटल रूम में, मैं आपको बाकी अपडेट्स दूंगा। ये हमारा सबसे बड़ा साथी है ई रिक्शा, इसमें हम लोग रोज आया जाया करते हैं। कम से कम हम लोग 8 लोग समा जाते हैं फीडबैक समेत। और हम लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ। होटल की तरफ, हमारे होटल का नाम है होटल रंजीत। हमने आज कॉम्पिटिशन ओके किया, बट हमारे मेन प्लेयर ने बहुत ही अच्छा किया। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
So we are back to the place where we started from. So I hope you have liked my journey. मैं ऐसे स्टैंड पे लगा देता हूँ, एक मिनट. हम लोग आ गए वापस सामान वगैरह लेकर के. एंड दिस वॉज माई जर्नी 20 डेज की, जिसके अंदर मैंने कुछ 5 टारगेट रखे थे, कुछ हुए कुछ नहीं हुए और फॉल भी हुआ, बट स्टिल इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. आई होप यू गाइज हैव इन्जॉयड इट, आप लोगों को अच्छा लगा हो. और इस जर्नी के दौरान मुझे कुछ अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मिले हैं, वो ये हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहे, क्योंकि इट वॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया ऐसा कुछ. और इससे पहले मुझे 5 मंथ्स तक ट्रेनिंग नहीं मिल पाया था, तो इट वॉज़ वेरी लिमिटेड टाइम जिसके अंदर मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना था. और सारे नए स्किल्स थे, मैंने कभी किसी कंपटीशन में परफॉर्म नहीं करे थे. और जिमनास्टिक्स हाँ इजी है इनिशियल लेवल पे जब तक आप ट्रेनिंग करते, बट व्हेन यू गो फॉर द कंपटीशन उस टाइम पे आपकी बॉडी काफ़ी शेकी हो जाती है. आपने नोटिस भी किया होगा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आई वॉज वेरी गुड, और इसके अंदर एक दो कॉमेंट्स भी आए मुझे कि भैया आपका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन इम्प्रूव होता तो और भी अच्छा लगता. बट हाँ ऑब्वियसली मुझे भी वो लगा कि शेकी थी ट्रेनिंग, बट स्टिल ड्यू टू लिमिटेड टाइम मैं उतना ही कर पाया. और मेरा फिर एक और कॉमेंट आया बीच में मुझे, भैया वाई व्लॉगिंग ऑल ऑफ अ सडन. सो व्लॉगिंग इज़ जस्ट, आई नो इट्स अ रिक्रिएशनल, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड सम अवेयरनेस अबाउट जिमनास्टिक्स, बिकॉज आप लोग जो जिमनास्ट हैं वो सब जानते हैं कि जिमनास्टिक्स ऐसे होती है, बट नॉट द नॉन जिमनास्ट, उनको नहीं पता. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक अच्छा सर्कस, अच्छा वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, अच्छा वो. तो इट्स लाइक आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन जस्ट शो, अच्छा ये होती है जिमनास्टिक्स एंड दिस इज हाउ पीपल कैन डू. सो फॉर दैट पर्पज इट्स वेरी एंटरटेनिंग एज वेल कि आप अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस उन सबको रिकॉर्ड कर रहे हो. तो एटलीस्ट आई विल बी लाइक कि जब मैं जिमनास्टिक्स छोड़ दूंगा आई विल हैव सम प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लुक अप टू, जहाँ मैं देख सकता हूँ अपनी ट्रेनिंग. सो माई मैसेज फ्रॉम दिस व्लॉग इज जस्ट कि देर इज लॉट मोर टू लिव अबाउट, डोंट जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. सो बिकॉज आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, दे आर सो मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो आपको एक्सपीरियंस करना है. आई नो स्पोर्ट्स जिमनास्टिक्स करियर पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल डेवलपमेंट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वॉट आई बिलीव. सो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड सम अदर आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आप उन सब चीज़ों को भी अपने लाइफ में जोड़ें जो थोड़ा सा गेम से अलग है. बिकॉज आई बिलीव अगर वो चीज़ें आपको आती है तो आपका पर्सपेक्टिव, जो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया है, जो चीज़ों को समझने का तरीका है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. और उसकी वजह से आप अपने गेम में एफर्टलेसली इम्प्रूव करते हैं. आप शायद रेगुलर ट्रेनिंग भी कर रहे हो, मैं नहीं कर पाया इस वजह से, शायद थोड़ा शेकी था परफॉर्मेंस, बट येस अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं और अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा ब्रॉडन अप करते हैं विथ इंक्लूडिंग अदर आस्पेक्ट्स एज वेल, तो आपकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी. सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ एंड मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. So it is going to be very interesting. So stay tuned and just remember, do it for the anthem. Jai Hind.